नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा टैली ERP 9 में इन्वेंटरी इन्फो का यूज़ कैसे किया जाता है। चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले टैली को मैं स्टार्ट करूंगा। यहाँ से मैंने यहाँ से टैली स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इन्वेंटरी इन्फो। इन्वेंटरी इन्फो का मतलब आपका होता है जो कुछ हम डाटा को रखते हैं, जैसे सामान लेना है, कितना पीस लेना है, कितने का लेना है, क्या नहीं है, वो सब रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इन्वेंटरी इन्फो का यूज़ किया जाता है। मैं कैसे यूज़ करते हैं, कैसे एंट्री किया जाता है, आज मैं उस टॉपिक पर बात करूँगा और मैं आप लोगों को वो करके दिखाऊंगा, ठीक है। कैसे वर्क किया जाता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सेटिंग किया जाता है, तो हम यहाँ पे F11 करेंगे। F11 करने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है इन्वेंटरी फीचर्स पर, एंटर करेंगे यहाँ पे। यहाँ मिलेगा आपको लोकेशन, किसी किसी टैली में मिलता है टैली क्या नाम है गोडाउन मिलता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, गोडाउन और लोकेशन सेम आपका होता है, इसे यस कर लेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेबिट एंड क्रेडिट नोटिस को यस करेंगे, फिर यहाँ दिखाई दे रहा है रिकॉर्ड क्रेडिट और नोटिस क्या दिया इनवाइस मोड, इस दोनों को आपको यस कर लेना है, ठीक है। फिर कंट्रोल ए से क्या करेंगे, इसको हम सेव कर देंगे, फिर स्केप करेंगे। स्केप करने के बाद हमें करना है इन्वेंटरी इन्फो पे जाना है, फिर इंटर करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए दिया स्टॉक ग्रुप, क्या दिया है स्टॉक ग्रुप दिया है। स्टॉक ग्रुप का मतलब आपका होता है जो कुछ सामान को हम रखना चाहते हैं, नाम को रखना चाहते हैं, किस कैटेगरी का नाम लेना चाहते हैं, वो चीज़ हमको यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम स्टॉक ग्रुप का यूज़ करते हैं। यहाँ पर इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ बनाना आपको सिस्टम ने बनाया NOKIA नोकिया मैंने बनाया, उसे क्या कर दिया कंट्रोल से सेव कर दिया। हमने ये चीज़ बनाया एंट्री किया इसमें, अब हम और इंट्री करना चाहते तो यहाँ पर रखेंगे, नहीं इंट्री करना तो क्या करेंगे हम स्केप से बैक हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से बैक हो जाएंगे, मैंने बैक हो गया। फिर आपको यहाँ बता रहा है कैटेगरीज, कैटेगरीज का मतलब नोकिया जो हमारा सामान है वो किस कैटेगरी का है, उसमें मॉडल क्या है, क्या उसमें आता है, कैसे कैसे यूज, मतलब जैसे कौन सा फ़ोन है i3 है, जो स्टॉक कैटेगरी में यूज किया जाता है, इसका काम ये होता है इसमें जैसे फ़ोन जो हमने नोकिया डाला है ग्रुप में बनाया है वो नोकिया क्या है, 4G है, 5G है, 3G है, 2G, ये सब चीज़ उसमें बताता है, उस पर आगे काम करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस पर इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम बनाएंगे जिस हमने बनाया, बनाएंगे हम नोकिया NOKIA नोकिया 4G कर देंगे, क्या कर देंगे हम 4G, मॉडल क्या हमारा है 4G, इंटर करके से हम सेव कर देंगे, बैक जाएंगे। फिर आपका आता है स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम आपका आता है यूनिट, देखिए यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम को लास्ट में देखेंगे। यूनिट ऑफ मेजर का काम आपका होता है जो हमारा सामान है वो किसमें लेना है, पीस, हमारा प्रोडक्ट हमारा किस में आएगा, पीस में ही आएगा ना, क्यों, क्योंकि मैंने जो लिया है उसे करेंगे पीस में, क्योंकि हमारा फ़ोन जो आता है वो पीस में आपका आता है, ठीक है। अब हम बैठ जाएंगे स्केप से। फिर मिलेगा लोकेशन, सामान कहाँ से ले रहे हैं आप, जिसमें डाले हम OVI LM World Shop SHOP। अब यहाँ पर इंटर करके सेव करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ल्ड शॉप में चला जाएगा, ओके। अब हम स्केप करेंगे। फिर यहाँ पे दिया है स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम क्रिएशन का मतलब आपका होता है सामान कितने का लेना है, कितने का आपका सामान बिकेगा, उसी चीज़ को यूज़ करने के लिए किसका उपयोग करते हैं आप, स्टॉक आइटम का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करने में करना है क्लियर करना है। अब यहाँ पे आपको भरना रहता है जिसमें नोकिया लेंगे, नोकिया NOKIA नोकिया कौन सा ले रहे हैं, जिसमें डाला A77 A77 मैंने नोकिया मॉडल डाला, नोकिया प्राइमरी में देखिए हमारा फ़ोन नोकिया है, नोकिया मॉडल डाला है। अगर अंडर में स्टॉक ग्रुप में अगर नोकिया नहीं बनाया होता तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं शो करता, ठीक है। तो यहाँ पे नोकिया करेंगे, कैटेगरी मैंने क्या डाला है, नोकिया कौन सा मॉडल है वो 4G है, 4G करेंगे। यूनिट क्या है, पीस है, TLT है, लीटर है, KG है, तो हमारा फ़ोन पीस में आएगा, तो यहाँ पे पीस करेंगे। यहाँ पे आपको बता रहा है सेट स्टैंडर्ड रेट, इसका काम आपका होता है जब वेस्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पर इंटर करने के बाद यहाँ पर रेट देंगे, देखिए बता रहा है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट रेट बता रहा है यहाँ पे, और यहाँ बता रहा है स्टैंडर्ड सेलिंग रेट, मतलब आपको यहाँ जो जितने का आप सामान लोगे, जैसा हमने दिया 15,000 का मैंने नोकिया A77 मॉडल फ़ोन लिया 4G, अब हम कितने का बेचेंगे, हमने डाला 16,000 का हमने फ़ोन बेच दिया। अब इंटर जब करेंगे इस चीज़ को तो हमारा डाटा वो सेव हो गया, ठीक है। तो हम बैक जाएंगे, अब बैक जाने हम इसको चेक करना है तो आपको जाना है अल्टर पे, इंटर करना है यहाँ पे, यहाँ पर डाटा पूरा आपका बता देगा क्या क्या आपका है, कितने का आपका है, ठीक है। तो आप लोगों ने सीखा नोकिया, तो आप लोगों ने सीखा इन्वेंटरी इन्फो का यूज़ कैसे किया जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।